कवर्धा जिले के विडोरा गांव से 36 दिन पूर्व अपहरण हुए 9 वर्षीय डोनेश राणा का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृत मासूम का पड़ोसी ही निकला। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपियों ने फिरौती के लिए अपहरण करना कबूला है। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम बिडोरा के शिक्षक दंपत्ति कुशल राणा का 9 वर्षीय मासूम डोनेश राणा 26 दिसंबर की शाम से लापता था। उनके द्वारा पुलिस में गुमशुति दर्ज कराई गई थी और पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही थी, लेकिन लापता डोनेश राणा का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कवर्धा पुलिस की इस मामले में काफ़ी किरकिरी भी हो रही थी। पुलिस ने लापता का पता बताने वालों के लिए 10,000 और परिजनों ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं रख पा रहा था। उधर पुलिस को भी इस मामले को लेकर दबाव बन रहा था। पुलिस हर संभावनाओं पर तलाश कर रही थी। अब पुलिस की जांच लापता बच्चे के आसपास रहने वाले पड़ोसियों पर आकर रुक गई। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर थक चुकी थी, लेकिन हर बार कुछ ढंग से पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। अब की बार पुलिस ने लापता के पड़ोसियों से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ पर आखिरकार वह टूट गया और सारी कहानी साफ साफ बयां कर गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के गिरफ्त में आए तीनों आरोपी यशवंत पाली, हेमंत पाली और कोमल पाली लापता बच्चे के घर के आसपास ही रहते हैं। लापता बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी और उनके अच्छे रहन सहन को देखकर तीनों आरोपियों ने उसके छोटे बच्चे का अपहरण कर 30 लाख फिरौती की योजना बनाकर 26 दिसंबर की शाम 9 वर्षीय डोनेश राणा को बहला फुसला कर स्कूल के अंदर ले जाया गया और उसके हाथ पैर बांध कर मुँह में टेप लगाने के दौरान बच्चा काफ़ी शोरगुल करने लगा। साथ ही वह आरोपियों को पहचान भी गया था, जिसके चलते आरोपियों ने बच्चे का गला दबाकर सिर में पत्थर से वार कर हत्या कर गांव के पास गड्ढे में दफन कर दिया और अनजान बनकर गांव आ गए और खुद ही बच्चे के परिजनों के साथ बच्चे की खोज में जुटकर सभी को गुमराह कर दिए, जिसके कारण किसी को भी उन पर शक नहीं हो पाया। आरोपियों के बयान और निशानदेही पर बच्चे के शव कंकाल और घटना में इस्तेमाल की गई पत्थर, जूट का बोरा, कंबल, बच्चे का कपड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं तीनों आरोपियों पर बच्चे का अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसका पुत्र डोमेश हिमांशु राणा खेलते समय 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेलते हुए कहीं से गायब हो गया था। इस सूचना पर रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें धारा 363 के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके थाना लोहारा में योजना में पूरी टीम लग गई। इसके अपहरण की सूचना जैसे प्राप्त हुई तो उस पर कई टीमें लगातार यहाँ से गठित किया जाकर लोहारा में और बिडोरा में अपनी टीम की विवेचना में लगाई गई थी और लगातार इस पर विवेचना की जा रही थी। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें DIG साहब और IG साहब के द्वारा भी मौके पर आकर के वस्तु सुपरविजन किया गया और दिशा निर्देश दिए गए थे। दिशा निर्देश प्राप्त होने पर इसमें सभी संभावित जो बिंदु हैं उन सभी पर जाँच की गई, जिसमें विशेष तौर पर इनके आपसी दुश्मनी को कवर किया गया, इनसे इनके साथ में किसी भी लेन देन मामला को कवर किया गया और इसमें इनकी जो आसपास के जो लोग थे उनके साथ में किसी के साथ में पूर्व के रंजिश को भी कवर किया गया था। इसमें लगातार विवेचना किए जाने के बाद में अंततः अभी कुछ दिन पूर्व में जो पूछताछ हुई तो इस पर एक आरोपी यशवंत है उसमें पूछताछ किया गया प्रारंभिक तौर पर। उसने पूरे प्रकरणों में उसके और उसके साथ में एक कोमल और हेमंत पाली, ये तीनों के द्वारा उस बच्चे का अपहरण किया जाना, अपहरण किए जाने के तुरंत बाद में पास से लगे हुए स्कूल कैंपस में ले जा करके, चूँकि बच्चा उसको दोनों जो आरोपी थे उनको पहचान चुका था और उसको आवाज़ रोने लगा, इस पर से आरोपियों द्वारा पत्थर उठा करके उसमें सिर में मार करके हत्या कर दी गई और साथ ही साथ जो गमछा रखा हुआ था उसके द्वारा भी गला घोट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद में इसको शव को छिपाने के उद्देश्य से वहाँ से ले जा करके बोरे में भरकर और कंबल में लपेट करके टाटावाही के पास में एक गांव से बाहर में घुरुआ है, घुरुआ के नीचे पैरा के नीचे बा करके उसको
छोड़ दिया गया। तो ये पूरा मामला फिरौती प्राप्त करने के उद्देश्य से अपहरण करना।